वो फारूखी के घर पे जिग्ना जी और रिंकू जी तो मिलने गए। आप लोगों ने ये चीज देख ली होगी, पता चल गया होगा, पर आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इन सब चीजों के बीच में कुछ ऐसी गॉसिप निकाल के लेके आती हूँ जिस गॉसिप को सुनने के लिए आप लोग हमेशा बेताब रहते हैं। अब कुछ लोग ये चीज मानते हैं कि अंकिता लोखंडे जो है रिश्तों की लड़की है, पर मैं तो ये चीज़ मानती हूँ कि वो सेल्फिश है। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इस चीज़ से पता चलता है कि आखिरकार मुनव्वर फारूखी ने घर के अंदर कितने रिश्ते बनाए। मुनव्वर फारूखी ने बनाए रिश्ते जिग्ना जी के साथ, मुनव्वर फारूखी ने बनाए रिंकू जी के साथ, अभिषेक के साथ, मनारा के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ। और जो लोग जल रहे हैं जैसे कि अंकिता लोखंडे, विक्की, वो तो बात तक नहीं कर रहे हैं भाई, इनके बारे में मुनव्वर से इतना ज़्यादा जले पड़े हैं। अब ये तो गए थे दोनों ही, पर उनके साथ जिग्ना और रिंकू जी के साथ एक लड़की को देखा गया जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, क्यूट है, और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बात की जा रही है सोशल मीडिया पर कि भाई ये लड़की कौन है, भाई लाला जोड़ी अच्छी लग रही है। अब लोग ऐसे हो गए हैं कि मुनव्वर के साथ किसी को भी जोड़ने लग गए हैं। इवन मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मुनव्वर को पटा लो, आप भाभी बन जाओ हमारी, आप बहुत क्यूट हो। हालांकि जो लोग ये बात बोलते हैं थैंक यू सो मच, बट मुनव्वर की भी तो हामी होनी चाहिए ना, आप और हम क्या कर ले। तो आखिरकार ये है कौन? तो गैस ये है स्किन डॉक्टर, मुनव्वर फारूखी की फैमिली की स्किन डॉक्टर हैं, आशना है इनका नाम। और मुनव्वर जो है पहले से ही इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, पहले से ही जानती हैं। तो जिग्ना जी और रिंकू जी के साथ जो है ये भी वहाँ पर मौजूद थी, इसीलिए इनके बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट है और सीरियसली मुनव्वर के साथ जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर मुनव्वर के बेबी को संभालने के लिए कोई तैयार है तो भाई वो तो मुनव्वर उसके लिए हामी भर ही देगा, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। जो बेबी इतने टाइम मुनव्वर से दूर रहा, अब मुनव्वर किसी लड़की के लिए अपने बेबी को छोड़ना नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। आखिरकार ऐसा होना भी चाहिए जो कि मुनव्वर चाहते हैं कि भाई मेरी अगर कोई लाइफ पार्टनर बने तो वो मेरे बच्चे को माँ का प्यार भी दे। तो हर एक बाप चाहता है, हर एक माँ चाहती है, और यही चाहना बहुत सही है। क्या कहते हैं आप? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।